हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज मैं आप लोग के सामने लाया हूँ, ये कुछ ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड है जो मैंने ऑनलाइन परचेस किया हुआ है, जो कि बहुत ही चीप रेट में मुझे मिला है, बहुत चीप रेट में। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके ये सारे प्रोडक्ट के बारे में आप देख सकते हैं, इसका प्राइस क्या है, सब कुछ। ये पार्सल मेरा कल ही आया है और बहुत जल्द आ गया था, 3 से 4 दिन के अंदर मेरा ये पार्सल आ गया था। इसमें सबसे अच्छा लगा मुझे ये चीज़, ज़्यादा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है। इसकी खासियत ये है कि इसमें आप डायरेक्ट स्पीकर को कनेक्ट करके चला सकते हैं, विथ एम्पलीफायर के साथ ये आता है। तो ये मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। इसके साथ आपको एक रिमोट भी मिल जाएगा जो कि इसको कंट्रोल करने के लिए, जो कि बहुत अच्छा है। और ये दो स्पीकर मैंने मंगाया है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये मुझे पड़ा है 50-50 रुपए का एक, जो कि बहुत अच्छा साउंड इसका है। और एक ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है जो कि इसमें आपको USB, SD कार्ड, AUX सब कुछ इसमें इनबिल्ट मिल जाएगा, प्लस ब्लूटूथ भी इसमें दिया हुआ है। सिंगल चैनल का ये, सिंगल एक ही स्पीकर इससे चला सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा ये मुझे लगा। और जैसा कि बात करें इसकी, ये है चार्जिंग मॉड्यूल, इससे आप किसी भी लिथियम आयन बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, जिसमें इंडिकेटर भी दिया हुआ है। फुल होता है तो उसमें भी ये लाइट बताता है आपको कि हाँ बैटरी फुल हो चुकी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा चीज़ है। और सबसे सबसे ज़बरदस्त तो ये है, इसको ये काफ़ी छोटा है, ये काफ़ी छोटा, आप देख सकते हैं ये कितना छोटा है। और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा, ये 5 वोल्ट का है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा दिया हुआ इससे इसका। तो ये मैंने मंगा लिया है 5 पीस, देख रहे हैं, ये मैंने 5 पीस मंगा लिया हुआ है। इससे आगे चल के आपको मैं बहुत सी चीज़ें मतलब इसमें बना के दिखाऊंगा, जैसे कि मेरे पास देखो ये वैक्स का है, तो मैं इसमें ट्राई करूंगा कि ये स्पीकर को इसमें एडजस्ट करके, इस सर्किट को एडजस्ट करके एक वैक्स को, वैक्स बॉक्स को, इसको मैं ब्लूटूथ स्पीकर बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में इस पर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में ये अपलोड करूंगा ये वीडियो, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है अपना ब्लूटूथ मॉड्यूल, काफ़ी अच्छी वेबसाइट में आप लोग डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके सब परचेस कर सकते हैं। ये पावर बैंक के लिए मैंने ऑर्डर किया हुआ था, पावर बैंक बनाने के लिए, इसके साथ आपको ये केबल वगैरह सब कुछ मिलेगा। ये मैं न्यू यूट्यूब स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों, तो इसके लिए मैंने पहले से ही सब इंतज़ाम कर लिया हुआ है। मेरे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं नेक्स्ट एक एक वीडियो करके आप लोगों को दिखाता रहूँगा कि कैसे ओल्ड स्पीकर को उसको रिस्टोरेशन कैसे करते हैं। तो अभी न्यू चैनल है तो आप लोग सपोर्ट करिए, आने वाले डेट में आप लोग को बहुत से बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करके मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चेक करके दिखाता हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी क्या है। तो पहले सबसे पहले इसको मैं ट्राई करता हूँ, इसको देखते हैं सबसे पहले। सबसे पहले बैटरी लेंगे, लिथियम आयन की बैटरी 3.7 वोल्ट की है। बस मैं आप लोगों को चेक करा रहा हूँ, तो ये बैटरी को इसमें कनेक्ट करेंगे, ये वायर को कनेक्ट करेंगे, हाँ प्लस माइनस को अच्छे से आप देख के ही लगाएं। देखिए ऑन हो चुका है, इसमें स्पीकर कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों देखो स्पीकर कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे पावर ब्लूटूथ मोड पे आ चुका है, इसको आप कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ से।
देखो कनेक्ट हो चुका है अभी। तो दोस्तों आप लोग सुन सकते हैं इसकी वॉइस। काफ़ी अच्छे साउंड इसकी है। बैटरी इसकी डाउन हो चुकी है तो मैं इसको भी डायरेक्ट मोबाइल के चार्जर से चलाऊंगा, इससे भी अच्छा साउंड आता है। ये देखिए आप लोग साउंड सुन सकते होंगे। दोस्तों अब इसको चेक करते हैं कि इसका साउंड क्वालिटी क्या है। तो सबसे पहले पावर सप्लाई देंगे, देखिए यहाँ पे ऑन हो चुका है। ये स्पीकर का कनेक्शन है, इसमें सिंगल स्पीकर चलेगा, ओनली सिर्फ एक स्पीकर चला सकते हैं इसमें। देखिए दोस्तों ये आ चुका है इसका। ये भी काफ़ी अच्छा ऑडियो एम्पलीफायर है, यहाँ से आप इसको पुश कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि ये कितना अच्छा साउंड आ रहा है इससे। ये सिंगल स्पीकर के लिए बहुत परफेक्ट एम्पलीफायर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये मिनी एम्पलीफायर को यूज़ करने के लिए देखिए कैसे इसका कनेक्शन हुआ है। यहाँ पे स्पीकर का दोनों वायर लेफ्ट राइट, और ये है पावर जो कि यहाँ से 5 वोल्ट तक आप इनपुट कर सकते हैं, और ये गया है आपका ब्लूटूथ में जो कि ये ब्लूटूथ में कनेक्ट हो चुका है, और ये दोनों वायर एक साथ करके इसको इसमें पावर दे देंगे। तो यहाँ से माइनस माइनस को और प्लस प्लस को, तो देखिए आपको साउंड आया होगा, ब्लूटूथ ऑन हो चुका है इसका।
चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। थ्री पॉइंट ज़ीरो बी टी इसका मॉडल है, ये कनेक्ट हो चुका है। आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें ताकि नेक्स्ट टाइम में और अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोग के सामने दिखाता रहूं।